समाज की वो हमें नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा ये है कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में पिछड़ते हुए चले गए। और आज स्थिति है कि इसके अंदर पीछे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात रही थी कि शिक्षा हमारे समाज में कम थी। 1976 के अंदर एक भारत सरकार एक गजट पारित करती है और उसमें नायक समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देती है, और जब समझा तो लोगों ने उसका बेनिफिट लेना भी चालू कर दिया। 2009 तक बिल्कुल सही नायक समाज को एसटी का लाभ मिल रहा था, किसी किन्हीं कारणवश नायक को नायिका कर दिया गया, जबकि नायिका नाम के लिए केंद्र से कोई लेटर नहीं आया। मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, 2009 को केंद्र से एक लेटर आता है, उन्होंने कहा था केंद्र ने राजस्थान सरकार को कि आप अगर नायक को नायिका करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रपोजल बनाइए, बना के भेजे, मॉडिफिकेशन बनाइए, इसकी जांच कीजिए, इसके अकाउंट्स बनाइए, ये करके आप भिजवाइए तो इनको नायक से नायिका करते हैं इसके अंदर गजट के अंदर। लेकिन एक तहसीलदार ने एक लेटर लिखा आईटी सेल को, मार्गदर्शन का लेटर था, उसको इन्होंने आदेश मान लिया। वो 2009 के लेटर के आधार पे 2013-5-13 से अपन नायकों से नायिका कर दिया पोर्टल के ऊपर। नायिका किया गया वो असंवैधानिक किया गया, संविधान ने जो अपन को लाभ दिया है उसको लेने के लिए ये संघर्ष समिति का गठन किया गया है। ये संघर्ष समिति जिस भी मार्गदर्शन करेगी उसके अनुसार अपन को काम करना है। हम लोगों ने इसके लिए बहुत शोध कर लिया, बहुत जानकारियां ले ली, हम लोग सारे नेता लोगों से मिल लिए, कांग्रेस में भी मिल लिए, बीजेपी में मिल लिए, साहब ने बताया कि बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री जी से भी मिल लिए, सबों से मिल लिए, लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास पॉलिटिकल ग्राउंड इतना मजबूत नहीं है, इसलिए हम नहीं हो पाए। हमें संविधानिक हक तो मिला है लेकिन हम उसको लाभ नहीं ले पाए। इसलिए आप युवा वर्ग से मेरी एक प्रार्थना है कि हम तो लोग तो कब्र में पैर लटका के बैठे हैं, मेरी उम्र भी करीब 76 साल हो गई है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेतृत्व हमारे आने वाली पीढ़ी का जनरेशन का भला हो। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि हम लोगों को अगर ये लाभ मिल जाता है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपका स्टेटस बढ़ेगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आप आगे बढ़ेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक बात मेरे मन में है कि जब तक अपन बहुत बड़ी कमी अपने समाज की कमी रही है, वो रही है कि अपन जानते हैं आज भी अपन इस हॉल में बैठे हैं, अंबेडकर भवन में हम गया पीछे रह गए। अगर अपन संगठित होते और आज हमारा एक ही लीडर होता, आज हमारा लीडर एक ही होता, जो भी समाज आज आगे बढ़ा है वो एक लीडर के पीछे बढ़ा है।